हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि अपना वीकली एनालिसिस होता है। इसमें अपन जानेंगे कि अब नेक्स्ट वीक मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा एंड कैसे रहेगा एंड मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला है। तो सबसे पहले अपन गोल्ड के ऊपर करेंगे। तो गोल्ड के ऊपर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि गोल्ड का जो करंट सिनेरियो है, गोल्ड अपने टाइम पे हाई पे चल रहा है। ठीक है, अपने हाई टाइम पे चल रहा है गोल्ड। अभी यहाँ पे कोई भी पीछे बैकएंड में कुछ भी नहीं है जिससे अपन डिस्कशन कर पाए कि मार्केट कहाँ पे जाएगा एंड किस लेवल से रिवर्स ब्रेक हो सकता है। तो अब इन्हीं चीजों को अपन समझते हैं कि मार्केट अगर रिवर्स आता है तो किस किस एरिया से अपन यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम ले रखा है अपन ने यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिसेंटली IDM क्या होता है, यानी इंगेजमेंट किसे कहते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते कि IDM क्या होता है, तो मेरे लास्ट वाले कुछ वीडियोस आप जाके देख लीजिए, IDM पुल बैक वगैरह वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो जो भी रिसेंट वाला आपका वैलिड एरिया ऑफ पुल बैक होगा, ये पुल बैक एरिया है, तो ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक ही आपका क्या होगा, IDM की तरह काम करेगा। तो ये हो गया आपका वैलिड IDM। ठीक है, इसी IDM के नीचे होता है एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया एंड कैसे मार्क किया, तो इसके भी आप वीडियो जाके यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे आपको वो भी मिल जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जिसको शॉर्ट में OB कहते हैं। तो जब भी मार्केट अपने टॉप पे हो, बॉटम में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर वहां पे मार्केट ने अभी तक IDM को नहीं लिया है, तो IDM को लेने के बाद क्या करता है मार्केट, इस लेवल से कुछ इस तरीके से अगेन आपको बाइंग दे सकता है। तो फर्स्ट सिनेरियो गोल्ड का आपका ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, एंड सेकंड सिनेरियो की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक हल्का सा सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। हाँ, बाकी ये कुछ एरियाज और भी कवर हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही है। तो ये जितने भी एरियाज कवर हो रहे हैं, इन एरियाज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, एंड अगर आप वो फाइंड आउट करते हैं तो उसी के बिहाफ पे आप ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अगर आपका वो प्रॉपर एरिया निकल के आता है जो आप मार्किंग करना चाहते हैं या जो लेवल आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो अब आपके सामने मैंने ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। अब ये क्या ड्रॉ किए हैं मैं वो भी बता देता हूँ। ये है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं, जहाँ पे आप हाई और लो को मार्क करोगे सीधा, उसके अंदर कितनी भी कैंडल हो, कितने भी तरह के स्ट्रक्चर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हाई लोअर लो, मैं डायरेक्ट मार्किंग कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा कि लोअर हाई ऐसा नहीं। ये टॉप पॉइंट हो गया हायर हाई, ये लोअर लो हो गया, सेम एज वेल हायर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पुल बैक के चैप्टर में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली अगर ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद कोई एरिया काम करेगा, ये वाला वो एरिया है जहां से आप अगेन स्मॉल बाइंग ले सकते हैं। स्मॉल बाइंग की बात कर रहा हूँ, नॉट ए करेक्शन बाइंग। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एज ए छोटा सा एक स्मॉल बाई ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्मॉल बाई मिल जाएगा, छोटा सा थोड़ा सा बाइंग मिल सकता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे 30 पिप, 40 पिप्स वगैरह कुछ मिल जाए। ठीक है, एंड उसके बाद फाइनल एरिया कौन सा है, ये नेक्स्ट फाइनल एरिया होगा। ठीक है, एक ये वाला ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर, ये काफी बड़ा ऑर्डर फ्लो है, इसके अंदर कुछ चीजें है जिसकी वजह से मार्केट आपको यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले तो ये ऑर्डर फ्लो आ गया, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक आ गया, एंड ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या हो गया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया भी आ गया, पूरा का पूरा लिक्विडिटी एरिया। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अगेन बाइंग कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप बाइंग प्लान करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये बाइंग होगा, एंड देन अब लास्ट एरिया कौन सा होगा, ये चौक वाला एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया के नीचे आता है तो मार्केट अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, यानी मार्केट सेल साइड में जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया रहेगा इसका। ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे कि मार्केट कैसा रन हो रहा है एंड क्या उसकी सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये एक चीज हो गई। ठीक है, तो आपका जो मेजरली रहा है वो ये वाला एरिया रहा है। उसके अलावा अगर कोई एरिया और हो सकता है तो ये लिक्विडिटी एरिया बनेगा।
इस लिक्विडिटी एरिया पे अगर मार्केट आता है या कुछ एक्टिविटी करता है, चाहे वो बड़ा एक्टिविटी हो चाहे छोटी एक्टिविटी, डिपेंड ऑन मार्केट। तो यहाँ से भी आप इस लिक्विडिटी को लेने के बाद यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, इस एरिया को, कौन से वाले को मैं मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो लाइन में ड्रॉ की है, अगर इस लाइन को मार्केट ब्रेक करके कुछ इस तरीके से डाउन जाके रिटेस्ट करके इस तरीके से आता है, देन आपको यहाँ से सेल स्टार्ट कर देना है। आपको फिर ज्यादा वेट नहीं करना है। यहाँ तक आपका लास्ट बाइंग था, इस एरिया तक आपका लास्ट बाइंग है, इसके बाद नीचे जो भी होगा वो सारा सेल का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है मेरा। ठीक सेम एज वेल यूरो पे आगे बढ़ते हैं कि यूरो क्या कहना चाहता है। तो यूरो भी काफी टाइम से क्या होगा, सेल डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। इस एरिया से यहां तक सेल में चल रहा है यूरो अभी तक। ठीक है, बट लास्ट वीक क्या क्या थोड़ा देखते हैं। तो लास्ट वीक मार्केट ने यहाँ से हल्का सा अपना यहाँ पे बाइंग एरिया दिए एंड अगेन यहाँ पे सेलिंग एरिया दे दिया मार्केट ने। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या किया है मार्केट ने। तो मार्केट ने क्या किया, इसका लो पॉइंट था, लो पॉइंट लेने के बाद मार्केट ने ये अपना फर्स्ट हाई लिया, ये आपका आईडीएम बन गया। ठीक है, अब जनरली जब भी आईडीएम बनता है तो आईडीएम बनने के बाद आपकी कुछ चीजें कंफर्म होती है। क्या ये वाला जो सबसे लो पॉइंट है ये क्या कंफर्म हो गया, जब भी आईडीएम बनेगा तो ये आपका एक ऐसा पॉइंट कंफर्म होगा किसको, जिसको अपन यहाँ पे लोअर लो बोलेंगे, कि अब हो सकता है कि मार्केट इससे नीचे ना जाए। ठीक है, अगर मार्केट इससे नीचे ना जाए तो आप कहाँ पे एंट्री लेंगे, कैसे लेंगे, कैसे बाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर फ्लो ड्रॉ किया जाएगा कुछ इस तरीके से। ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड इंटरनल ऑर्डर फ्लो है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बाइंग करेंगे, ये वाला एरिया जो है उसका एक स्मॉल बाइंग की तरह वर्क करेगा, इंटरनल ऑर्डर फ्लो है ये। ठीक है, अगर मार्केट आपको यहाँ से बाइंग नहीं देता है तो देन ये लास्ट वाला एक और बाइंग एरिया आपका यहाँ पे निकल के आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है। अगर ये जो कैंडल है डोजी की तरह आपको दिख रही है, डोजी कैंडल अगर इस लास्ट वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेती है, देन अपन इस कैंडल पे क्या कर सकते हैं, एंट्री प्लान कर सकते हैं, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया यहाँ। ठीक है, तो ये भी एक सबसे अच्छा पॉइंट है जो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूरो यूएसडी का यही सीन है अभी के लिए। सपोज करिए अगर यहाँ से मार्केट सेल में जाना स्टार्ट हो जाता है, देन आपको क्या करना है, तो आपको इस एरिया का वेट करना है, फिर इस एरिया तक मार्केट सेल में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है इस बार यूरो यूएसडी में, इस एरिया का आपको वेट करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ से सेल में आने के बाद हल्का सा करेक्शन देगा जो कि मार्केट का नेचर है, देने के बाद मार्केट को आपको यहाँ तक आने का वेट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसमें, यूरो यूएसडी के अंदर। अब थोड़ा सा अपन जीबीपी यूएसडी वगैरह में भी देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी भी काफी टाइम से सेलिंग की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये एक मैंने टेलीग्राम पे दिया था कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट जिसने बताया था, हो सकता है उसका यहाँ पे एंट्री भी मिला हो। तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले अपना एक रीसेंट वाला हाई लिया, तो मार्केट का यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हो गया। एज वेल क्या हुआ यहाँ पे कि यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी साथ में रन होता है, ये एक एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये वाला वो एरिया है जहाँ पे आप लास्ट बाइंग करेंगे अब। ठीक है, लास्ट बाइंग एरिया है आपका ये वाला। एक तो ये कैंडल हो गई, एक ये कैंडल हो गई। ठीक है, मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप इस कैंडल का वेट करें, इसका ना करें। ठीक है, ये लास्ट बाइंग एरिया है आपका, यहाँ से आपको स्मॉल बाई करना है यहाँ तक, देन उसके बाद ब्रेक इवन करके स्टार्ट करना है। अगर आपका मार्केट ब्रेक इवन करता है एंड देन इस एरिया को क्लोज कर देता है, तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको फिर एक अच्छी खासी लॉन्ग एंट्री यहाँ से देखने को मिली। अदरवाइज अगर मार्केट इसको क्लोज करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, तो आपका नेक्स्ट जो सेल मोमेंटम होगा वो इस एरिया तक होगा, यहाँ तक आपका सेल रहेगा। ठीक है, उसके बाद भी नीचे फ्लो हो सकता है सेल, क्यों, क्योंकि लास्ट एरिया इसका बहुत बड़ा है वाला, ये एरिया
जिसको मार्केट में काफी टाइम पहले पेंडिंग ऑर्डर की तरह रखा हुआ था, इसको मार्केट ने लिया ही नहीं, ये अभी तक भी पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है इसका। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आपका यूरो यूएसडी जीबीपी एंड गोल्ड तीनों में परफेक्ट तरीके से आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।